बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, सेकंड ईयर क्लास। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 मैंने का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो उसका 6 पार्ट है, इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी एक्स डी एक्स को क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो इसका एक सिंपल तरीका तो ये है कि जिस तरह ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल होता है नीचे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव एक्स का लेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम वो लिखते नहीं है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से इसको करेंगे, ये है इंटीग्रेशन साइन साइन ए प्लस बी एक्स, पहले टोटल इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स, और नीचे इसका एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग इसको सेकंड मेथड से करें, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, जिसकी एक्सरसाइज आगे आ रही है वो वाली भी मैं करवाऊंगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं सेकंड मेथड में। अगर हम इसको नाम दे दें 1 का, और इसमें हम पुट कर दें a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी के, तो इसका अगर हम डिफरेंशियल ले लें बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी के। अगर हम लोग इसमें से डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर ए प्लस बी डी टी के आ जाएगा। इसको पुट करेंगे 1 में, तो इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी एक्स किसके इक्वल लेट किया था हमने, टी के इक्वल, और ये सारा किसके बराबर है, यहाँ पे 1 ओवर ए प्लस बी और ये डी टी, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1 ओवर ए प्लस बी इंटीग्रेशन साइन टी और ये डी टी। तो 1 ओवर ए प्लस बी साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो टी किसके बराबर हमने लेट किया था, ए प्लस बी एक्स के। तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर ए प्लस बी कॉस, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसके लिहाज से भी सेम आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं इसका 7 पार्ट, पहले इसको हम लोग रेज कर लें। अब हम इसका करने लगे हैं 7 पार्ट। तो इसको हम लोग ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ये इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स ओवर 2। तो ये हो जाएगा 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 एक्स। अब हम इसमें पुट कर लेंगे तो ये इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 एक्स किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। तो ये 2 अंडर रूट कॉन्स्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स और ये डी एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 अंडर रूट कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर। अब हम लोग करने लगे हैं इसका 8 पार्ट। इसका 8 पार्ट क्या है, लॉग एक्स 1 ओवर एक्स और ये डी एक्स। अगर इस पे आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो ये देख लें फंक्शन उसकी पावर एन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स 2 ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हम लोग इसको रेज कर लें। अब हम इसका करने लगे हैं 9 पार्ट। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं जिस तरह आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, 1 माइनस कॉस 2 एक्स ओवर 2 और ये डी एक्स। यहाँ पे 1 ओवर 2 ये बाहर कांस्टेंट है,
इसको अलग अलग इंटीग्रेट में लिख लेंगे, वन ओवर डी एक्स माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, और ये इस तरीके से। तो वन ओवर टू, वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, कॉस टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन टू एक्स, टू एक्स का नीचे डेरिवेटिव लेंगे टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। अब हम लोग कर लेंगे ये इसका टेन पार्ट, इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो इस पे हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वन प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू के इक्वल होता है, तो इसको ऐसे कर लेंगे ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू और ये डी एक्स। इसमें से वन ओवर टू बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू और ये डी एक्स। वन ओवर कॉस एक्स किसके इक्वल होता है सिकेंड एक्स के, तो इसको लिख लेंगे वन ओवर टू सिकेंड स्क्वायर एक्स ओवर टू और ये डी एक्स। अब ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है टेन एक्स के, तो इसको ऐसे लिख लेंगे वन ओवर टू सिकेंड स्क्वायर एक्स ओवर टू की इंटीग्रेशन होगी टेन एक्स ओवर टू, वन ओवर टू एक्स ओवर टू का नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो वन ओवर टू प्लस सी, तो ये हो जाएगा वन ओवर टू इधर उलट हो जाएगा टेन एक्स ओवर टू प्लस सी, ये टू से टू कैंसल, तो इसका आंसर आ जाएगा टेन एक्स ओवर टू प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को कर, ये क्वेश्चन नंबर टू का अलेवन पार्ट है। इसको हल करने से पहले सबसे पहले आप लोग देख लिया करें कि क्या फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर या साथ मौजूद है कि नहीं है। अगर हम ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा टू ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स मौजूद है लेकिन टू मौजूद नहीं है। बी एक्स का क्या आएगा बी आएगा, तो यहाँ पे ये वाला टू, ये बी एक्स है, ये बी एक्स का क्या आएगा टू बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स है ये वाला। तो इसका ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारे को ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, एक मिनट रेज करें इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर टू का अलेवन पार्ट दिया हुआ है, ये देखें इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आप लोग देखा करें कि इसका क्या डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा साथ। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो टू ए एक्स आएगा, टू बी एक्स का लेंगे तो टू बी आएगा। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टू से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी और ये डी एक्स। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, नीचे कोई फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या कर लेते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये फार्मूला अप्लाई कर देते। तो इसको देखते हुए ये यहाँ पे ऐसे हल कर लेंगे वन ओवर टू, तो ये हो जाएगा लॉग नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका हम लोग थर्टीन पार्ट कर रहे हैं, ये वाला थर्टीन पार्ट में क्या कहता है कॉस टू एक्स माइनस वन वन प्लस कॉस टू एक्स। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें वन माइनस कॉस टू एक्स और नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स और ये डी एक्स। तो ये फार्मूले होते हैं साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू, अगर 2 को इधर शिफ्ट कर लें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, और इसके अलावा 2 कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x। तो इसको ऐसे लिख लेंगे ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ये और ये कैंसिल, साइन ओवर कॉस क्या होता है टेन एक्स और ये डी एक्स। तो अब टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है वन प्लस
टेन स्क्वायर एक्स, ये प्लस का वन इधर माइनस का हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये डी एक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वन डी एक्स। सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है टेन एक्स, और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये लास्ट वाला जो 14 पार्ट है वो आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस होगा, तो आप लोग हल कर लीजिएगा।